तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन, सब गुड एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्लॉग्स फॉर यू। तो आज नहीं, कल व्लॉग हम आज बना रहे हैं, मगर हम जाने वाले हैं कल हिमाचल। तो हम आपको भी साथ में लेके चलेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। अबे डोला दिखाना बंद कर रहे रास्ता दिखाएंगे, हिमाचल की अपडेट्स देंगे, जैसे बताया गया है कि हिमाचल में एंट्री करने के लिए पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से टेस्ट चाहिए, कोरोना चाहिए, फलाना कोरोना नहीं चाहिए, कोरोना की रिपोर्ट चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और ई पास तो चलो कहते जरूरी है। तो ई पास का हमने अप्लाई कर दिया, मगर हमारे में से, मतलब मैं और मेरा भाई दोनों में से किसी के पास वो नहीं है, कोरोना की रिपोर्ट नहीं है। तो अब कल जाके देखेंगे क्या होता है ना, तो क्योंकि अब इतनी जल्दी में तो कोरोना की रिपोर्ट आने वाली नहीं है, तो हमारे को अब ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो बाकी का ब्लॉग हम आपको कल दिखाएंगे, और अभी हम जा रहे हैं पैकिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, और आपके साथ ही तो मज़ा है भाई। अगर कोई अभी कोई वीडियो देख रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, तो प्लीज़ जाके यार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपन को अपनी फैमिली बढ़ानी है। तो मिलते हैं हम सीधा सुबह अपनी गाड़ी के साथ, क्योंकि गाड़ी को भी अभी नहलाना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा अपनी रानी को। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, टाटा बाय बाय। तो हाँ जी गाइस, क्या हाल है सभी के? आज हम पहुंच गए हैं अपने घर हिमाचल, मतलब कि जो हमारा घर है हिमाचल में, वहां पे। तो बहुत तवज्जो से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किलों से, और हमारे भाई साहब आ रहे हैं गाड़ी में, मिलिए अभी हमारे, हम यहाँ पे कर्मचारी बने हुए हैं, और उनकी हालत देखिए, काम कर करके थक चुके हैं, और मेरी भी थोड़ी थोड़ा तो लग रहा होगा कि मैंने काम किया है, ये धूड़ लगी है मेरे को। ओए, क्या काम किया है? काम किया है थोड़ा, मैंने झाड़ू लगाया यार अभी, तो अभी थोड़ा थक गए थे, तो मेरे को याद आया कि मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि हम अपने घर पे आ गए। तो अभी थोड़ा काम चल रहा है, मतलब काम तो क्या चल रहा है, सफाई चल रही है ना। तो जैसे ही सफाई साफ हो जाएगी सारी, ये और वो छोड़ो, सफाई चलो होएगी होएगी, हमारे भाई ने नया हेसल किया, देखोगे आप, नजर आ रहा है, आ रहा नजर, थोड़ा थोड़ा नजर आ ही रहा है, थोड़ा थोड़ा तेरे नाम लुक आ रही है, बाकी थोड़ी थोड़ी आ जाएगी जो बची कुची है। तो ये है हमारे घर के बाहर, और ये है मेरी कार, इसको भी मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया, स्विफ्ट कार है मेरे पास, हमारे पास, क्योंकि अभी तक मेरी कार नहीं है, ये मेरी फैमिली की कार है, और जो फैमिली की कार होती है वो सभी को पता होता है, अपने आप को नहीं मिलती, जहां जाना इनके साथ जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी सिर्फ मेरे को चलानी आती है, ये अभी छोटा है, तो इसको भी मैं सिखा नहीं रहा, क्योंकि डर लगता है कहीं पटक मार ना दे, डर लगता है भाई, चाहे कार घर वाली है या जैसी भी है तो अपनी ना। अब कार लिया तो कार को प्यार से रखो भाई, मैंने कई बार देखा लोग ना, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे वैसे गाड़ी चलाते, नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। का कहना ये होता है, आप हमसे प्यार करोगे तो ये हमसे प्यार करेगी, ये पक्की बात है। तो अभी आपको दिखाता हूँ अपनी कार, और थोड़ा सा भी थोड़ी देर में आपको व्यू भी दिखाऊंगा अपना। और हमारी कार है ग्रेस आई कलर की, कंडा चुभ गया, और ये देखो ये अपन की कार, इसकी छत करा के रखी है मैंने वाइट, क्योंकि मैंने किसी की कार देखी थी, मेरे को अच्छी लगी, और उसकी छत और इसके साइड मिरर जो हैं वो तो मैंने वाइट करा लिए थे, DRS लगी हुई है। इसका पूरा रिव्यू का एक, मतलब कि पूरी की पूरी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा किसी दिन। और ये हमारे घर का मेन रोड, जो यहाँ पे मतलब कि मेन रोड ही है जो निकलता सारा, और ये पीछे सारी वादियाँ, इनके पीछे, इसके पीछे थोड़े से खेत है, फिर उसके पीछे सारी वादियाँ ही वादियाँ, और ये है हमारा घर, ये हमारे घर का मेन गेट, ये पीछे और इसके पीछे ऊपर पहाड़ियाँ, ये देख लीजिए, ये सारा अपन का घर है अपन का। तो ठीक है, जैसे सफाई होगी तो मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगा अंदर से, कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है, सफाई सफाई करके, पोचा पोचा अनु चका चक करके, ठीक है। तो थोड़ी देर और सफाई करने, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखो, ये हमारे कर्मचारी बेचारे, थोड़ा शक्ल दिखाना है इधर, इन पे कोई तरस नहीं खा रहा,
लगे हुए काम पे। और ये देखो हमारी मम्मी को झाड़ू लेके खड़े पड़े हैं यहाँ पे, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है बेचारे को। तो भाई साहब हो गया काम, गिल्ला गिल्ला हो गया। और ये देखो हमारे खेत के कद्दू, मोटे मोटे कद्दू जिसका बनता है खट्टा मीठा हलवा भी बनता है, सब्जी भी बनती है, बहुत कुछ बनता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी छत पे। लेट अस गो। तो ऊपर आपको दिखाते हैं अभी चल के। भाई साहब अंधेरे में मैं तो नजर भी नहीं आ रहा हूँ। तो ये रहा नजारा, देख रहे हो ना भाई साहब, वो हमारी घोड़ी खड़ी है। ये यहाँ पे नीचे सारे खेत है, इसके पार एक छोटी सी नदी बहती है और उसके पार पार तो फिर वही क्या कहते हैं उसको, बादल कहने लगा था मैं, क्या कहते हैं भाई उसको, अभी उसको नहीं, पहाड़ 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 है। और इधर हमारे खेत है, ये पीछे अगर नजर, हाँ आ रहा नजर, ये पीछे हमारे सारे खेत है, ये नीचे वाली और ऊपर वाली, इनमें सब्जियां लगी हैं। थोड़ी देर में जाएंगे उधर भी दिखाएंगे नीचे उतर के कि सब्जी कौन कौन सी लगी है। तो मतलब धूप अत की पड़ रही है, मतलब ज्यादा पड़ रही है, काम हो गया है, लग रहा हूँ बाबू रहा। ओ यस, मम्मी बोल रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुद्वारे में सेवा करने आया हो। तो नीचे ज्यादातर जो मेरे को अभी तक नजर आ रहा है वो है कद्दू। ये देखो कर्मचारी ने कपड़े डालने हैं, कर्मचारी काम हो गया, आपकी दिहाड़ी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, टेंशन ही लेनी, मेरी तो मिलने नहीं वाली। तो और दिखाने को है जो यहाँ पे देख रहे हो पीछे ये वाली जगह ना, यहाँ पे है कुआं, बड़ा सारा कुआं, अभी वो ढका पड़ा है क्योंकि उसके ऊपर अब जो ये पेड़ है ना ये कुएं के बीच में से निकला हुआ है। पुराने टाइमों में यहाँ से पानी पिया करते थे, अब चलो टूटियां लग गई हैं, सरकारों ने कई काम किया है तो फिर उसकी वजह से अब कुएं का पानी जो है एक तो खराब भी हो चुका है, इतने साल हो गए हम वहां पे रहते हैं तो यहाँ पे फिर बड़ा बड़ा खराब भी हो गया, बीच में दो तीन बार जानवर भी गिर के मर चुके हैं, फिर इस करके इसको अब हम यूज में नहीं लेके आते। मधुमक्खी का छत्ता भी अब बहुत बड़ा, इसलिए मैं उधर नहीं जाता, अगर मैं उधर गया तो अभी थोड़ी थोड़ी तो पहले सूजी पड़ी है, शक्ल गलत नहीं समझ रहा, तो जो बाकी बची शक्ल है वो भी ना इतनी मोटी हो जाएगी कद्दू की तरह, जैसे कद्दू देखा वैसी शक्ल हो जाएगी, फिर क्या फायदा होगा। और भाई कैसा लग रहा है काम करके, काम करके बहुत बुरा। तो जैसे यहाँ पे हमने मंदिर ही बना रखा, ये वाला ये हमारा मंदिर है, इसके वहां से उसका गेट है, नीचे कुर्सियां भी है। तो बाकी का हम इन अंदर का टूर भी करते हैं। पोचा लग रहा है, झाड़ू मैंने लगा दिया था, थोड़ा सा जो बचा कुचा था वो इसने कर दिया, तो बाकी अब पोचा है, पिछले कमरों में लगा दिया, आगे में लगना है, और जो सबसे आगे है वहां पे तो पानी फेंक के ऐसे ही सफाई करनी है, जैसे होगा फिर आपको पूरे कमरा मतलब कमरे ही पूरे घर का अंदर से घुमाएंगे। तो कैसा लगा मेरा गांव, आ तेरी पैर तो बड़ी है, सॉरी पंजाबी टच आ जाता कभी कभी बीच में। तो हम और हमारा भाई हमने खाए यहाँ पे पकौड़े पनीर के, जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखे होंगे। हाँ जी, तो अभी आपने पकोड़े देखे, सो
स्वाद अनुसार मजेदार। तो ये हमारे यहाँ ग्रेट के स्पेशल पनीर के पकोड़े, और दुकान का नाम है सतपाल, सतपाल हलवाई। पनीर के पकोड़े मतलब कि टॉप लेवल के पकोड़े थे इनके, अभी भी हैं। तो वही अब वही खा के अब हम जा रहे हैं अपनी दीदी के घर। बाकी आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलो चलें। तो पहुंच गए दीदी के घर पे। तो ये रापन करती है घर, मगर हम जा रहे हैं ऊपर आपके लिए, आपको सनसेट दिखाने के लिए। अभी आपको दिखाएंगे सन एंड सेट। पौड़ियां चढ़नियां हमारे लिए है मुश्किल। तो ये है मेरा छोटा भांजा, क्या नाम है तेरा? अनमोल। इसका नाम है अनमोल। और ये है मेरा बड़ा भांजा, क्या नाम है? अभी अभिनव ठाकुर। तेरा नाम पूरा अनमोल है ना? हाँ, अनमोल ठाकुर। और अब फाइनली आपको दिखाएंगे यहाँ का सनसेट। सेट तो नजर आ रहा, सन क्यों नहीं नजर आ रहा? वाह, सन गुआच। अच्छा सन है ही उधर, मैं ही गलत पासे लेके जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों देख एक मिनट, क्या कहते हैं इसको, मिरेकल। अभी ये देखो सन सेट, और यहाँ पे देखो हमारा ये किधर गया, ये वो देखो पीछे नजर आ रहा है मून, मून सन, मून कौन गया मून। ये देखो ये ऊपर, ओए ए मेरी, ए मेरी उंगली के ऊपर बिल्कुल ये मून है, और ये रहा कितने गया ओरा सन। आपको हमने दिखा दिया सन सेट और मून राइज, दोनों दिखा दिया आपको एक ही वीडियो में। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बताओ। और आज की हमारी सेवा पानी करेंगे ये छोटा टिंडू, और बड़ा टिंडू थोड़ा शर्मा रहा है। इतनी शर्म क्यों आ रही है, लड़की थोड़ी है यार, वीडियो है कैमरा है बताओ। बाकी छोड़ो, यहाँ के नेचर को एंजॉय करो। देखो ये सारी पहाड़ी है, पहाड़ी के टिल्ले के ऊपर हम खड़े हैं। ओह माय गॉड, इतना भी ओह माय गॉड नहीं वैसे, मगर सनसेट। तो बाकी अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो सही गल है वैसे, ये बता रहा है हमारे को मेरा भांजा, बता क्या रहा है मेरे को भी पता ही है कि यहाँ का सबसे ऊंची जो छत है ना वो है हमारे जीजा जी की। देख आप देख पा रहे होगे, देखो सबसे ऊपर वाली छत ही हमारी है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग डालते हैं, दो मंजिली तीसरी मंजिली डाली इन्होंने। अब मेरे कैमरे की क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से दिखाता कि वहां पे पहाड़ियां भी नजर आ रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा दिखाएंगे आपको। तो अभी आपको दिखाते हैं पिछले वाले कैमरे से सनसेट। देख रहे हो ना नजारा कितना खतरनाक है ना वैसे, भाई साहब व्यू व्यू देखो व्यू। और इधर देख लो हमारे चंदा मामा। तो थोड़ी देर में हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे वैसे एक स्टेशन भी है, मगर थोड़ा दूर है, नहीं तो हम आपको उधर भी लेके चलते। ट्रेन कब आती है यहाँ पे पता नहीं। ट्रेन 10 बजे आती है। ट्रेन 10 बजे आती है, सुबह की आती है शाम की आती है? सुबह की। हम बोलते शाम की आती है, 12 बजे भी आती है। अगर आई तो जरूर जयपुर भी, यहाँ से जयपुर जाती है, दिल्ली भी जाती है। बोला ना हिमाचल ने बहुत तरक्की कर ली है, वही बात आई ना, तरक्की भाई हिमाचल किसी से कम नहीं है अब, ना ही अब रहा है। और ये देखो दीदी और ने ये भी रखे हुए हैं, इन्हें कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में सनफ्लावर, नहीं मामा पछू। एक गाय है और एक, ये दोनों गाय हैं, ये दोनों गाय हैं, एक बच्चू
अरे अब इनको नहीं पता होगा, कईयों को तो क्या होती है गायें पता सभी को, गायें हैं और भैंस है, थोड़ी दूर बांध दी है वो ए, हाँ वो उस वाली जगह पे कट्टू भी कट्टू भी है, कट्टू बोलते हैं भैंस के बच्चे को, मेल बच्चा जो होता है उसको कट्टू बोलते हैं और अगर फीमेल है तो उसको कट्टी बोलते हैं, मतलब मजेदार। उस घर के बारे में कुछ बता रहा क्या, कौन सा है पुराने जमाने का घर? हाँ तो इसे कहते हैं पुराने पुराने जमाने पुराने जमाने का घर नहीं कहते, इसे कहते स्लेट। हाँ एक मिनट आता हूँ उधर भी, एक मिनट ये स्लेटियों वाला घर, इसमें ये होता है कि जैसे ऊपर से ये स्लेट ब्लैक वाले डाल देते हैं ना, तो इससे जो है अगर सर्दियाँ तो कमरा गर्म रहता है और अगर गर्मियाँ जैसे अब गर्मियाँ तो ये कमरा विदाउट एसी ठंडा रहेगा और पूरा चिल्ड प्रोग्राम होता है। थोड़ी नज़दीक से दिखाया जाए आपको तो ये देखो, तो जैसे अब एडवांस लेवल तक बंदे चल गए हैं तो फिर भी अगर इस चीज़ को वो ना मतलब कि अपने पास रखते हैं तो ऊपर इसको रख के तो नीचे थोड़ा फैशन और लगा लो अपना यार, इसको क्या कहते हैं स्टाइल करने के लिए, टोर मारने के लिए टीन लगा रहते हैं। तो वहाँ पे जो है बता रहा हूँ हिमाचल वाले कैसे रहते हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे होता है इनका जो सुक्का वाला चारा होता है ना वहाँ, उसको वहां रखते हैं। उस चंदा मामा फिर से नजर आ गया हमारे को, और ये देखो खेल रहे हैं लड़ रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, छोटा वाला चीखता बहुत है और कुछ नहीं है, बाकी सब मस्त फर्स्ट क्लास है। और ज्यादा यह छोटे वाले की बनती मेरे साथ ज्यादा है, इसकी बनती है मेरे मेरे भाई के साथ, बड़े वाले के साथ, समझ रहे हो। चलो अभी ये देखो खेलो खेलो यार, तुम तो ये कैमरा देख कर डर जाते हैं हदों की यार, मेरे को भी डर लगता था किसी टाइम पे, मगर देखो ओ, ये लड़ा रहे हैं पंजा, कौन जीतेगा? ओ भाई ऐसे थोड़ी होता, तू तो लेट नहीं लग गया हाँ जी बताइए तो ये हमको मजबूर कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे खेत दिखाओ, ये पर वो साइड वाले जो हैं वो सारे खेत हैं, इनके खेत हैं। भाई जूम नहीं होता, कैमरा छोटा है मेरा, फोन है ये, कैमरा नहीं है इसमें, जूम नहीं होता, जूम करूंगा तो कैमरा फट जाएगा, मतलब क्लैरिटी फट जाएगी। ओ मार दिया, ओ मार दिया, अबे मर गया तो जिम्मेवारी मारी हो जाएगी, इतनी मुश्किल से घर पे पहुंचे हैं, भगा देंगे यहाँ पे भाई को मारा जा, ओ देखो भाई का बदला लिया जा रहा है तो यहाँ पे एक ने पहला दो को, एक ने पहला दो को, ओ माय गॉड, ₹10 जो जीता वही सिकंदर, ये तो जुत्तम जुत्ती हो रहे हैं, और ये इनकी रिंग है और कुछ खतरनाक बाकी बाद में क्योंकि बारी मेरी आ गई है। ये है दीदी का घर, दीदी जी का घर है, ये दीदी जी का घर देख रहे हो ना, वो खड़ी अपनी रानी घोड़ी आ रही नजर, यस पानी पानी हो गई। अपन के मामा जी मतलब मेरा भांजा बोल रहा है, हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे घूमने, हम जा रहे हैं दुकान पे लेने जा रहे हैं कुछ, जो कुछ मिल जाएगा ले लेंगे, मेरा तो कुछ पीने को दिल कर रहा है कोक गलत नहीं, तो अभी हमारी स्कॉट जा रही है खाने के लिए कुछ पीने के लिए, और देखो यहाँ के रास्ते ऐसे होते हैं, पेड़ पेड़ टानी टानी, इसका नजारा लग ही आता, और यहाँ पे ना भाई देखो नहीं इतनी गर्मी है ना और यहाँ पे ठंड है, अभी इस टाइम अपने घर पे होता ना एक जलंधर में होता तो
अंडे की तरह उबल जाता बंदा वहां पे, मगर यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मौसम ठंडा है, चिड़िया की आवाजें सुन रहे हो, सुन रहे हो? हाँ। पर ये देखो ये पेड़ है उसके, मक्की के भुट्टा होता ना भुट्टा, तो अभी ये तो भाई सारे हो तुसी मर जाना मेरे हथों। तो ये भांग, भांग वालों देखो भांग ही भांग है यहाँ पे, तो वो देख लो पीछे से आ रहे हैं। अच्छा तो बस हम इधर से जाते हैं और मिलते हैं कुछ थोड़ी देर बाद, कोक पियेंगे और आपको भी पिलाएंगे। ये देखो प्यार कर रहे हैं दोनों, प्यार भाई प्यार ही करियो। और ये लो और सी दुकान अपनी जो हमारी मंजिल है, वहां जाके हम लेंगे कोक फिर पिलाते हैं आपको। लो जी अपन की होगी शॉपिंग, थोड़ा रुक जा भाई शॉपिंग दिखा तो दे, चार कोक चार लेस, तो हम पियेंगे इनको। मास्क की तो वैसे लोड नहीं है, मगर दीदी ने बोला था कई बार आया ना आते आते जाते ना बंदे बोल देते हैं कि भाई मास्क लगाना चाहिए, और यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ के अंदर ना सरकारी जिम लगाया गया, तो बात फिर से वही आ गई, सरकारों ने काम बहुत किया है। वहाँ तो काम किया है भाई साहब, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखों के सामने है तभी बोल रहा हूँ। हमारे वहाँ की तरह थोड़ी है कि जो कुछ भी है, और अब क्या बोले है ना ऐसे चंगा अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को कोक भीजा है खोल के, तो ये है यहाँ की चक्की जहाँ पे आटे को पिसाया जाता है, जैसे यहाँ पे लोग गेहूं उगाते हैं और डायरेक्ट उसको यहाँ पे ऐसे ना पिसाया जाता ताकि उसका आटा निकल जाए। कोका कोला, यू लाइक इट? वी लाइक इट। बाकी सभी को आजकल का वो चल रहा है ना, वो किसने किसने किया था, रोनाल्डो ने किया, कोक की जगह वो रख दिया था। ओ भाई वो किसने किया था, रोनाल्डो ने किया था, वो क्या कोक उठा के साइड पे रख दी थी है ना, क्या हुआ? हम कोक कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, तो बंदे ने ऐसे करके ऐसे रख दिया। और चलो अच्छी भी बात है क्योंकि जिस चीज के साथ उसका कंपैरिजन किया गया था पानी के साथ, तो फिर उनमें से तो ऑब्वियसली पानी ज्यादा अच्छा है, पानी ज्यादा अच्छा है कोक, क्योंकि कोक तो फिर भी एक कोक है ना, पानी तो पानी है भाई, उसके बिना तो जिंदगी नहीं है, इसके बिना तो फिर भी जिंदगी है। तो अभी चलते हैं घर, तो घर जाके दिखाएंगे। आ गया हमारा नाश्ता, नाश्ता नहीं गया डिनर, हमारी बच्चा बाटी तैयार है और हमारी दीदी का स्पेशल नमक, पता नहीं क्या क्या डाल के बनाया, मगर इससे अच्छा टेस्ट नहीं दुनिया में अभी तक। हमारे को है खाना रहता, प्याज टमाटर आलू शिमला मिर्च ते दाल, और ये रहा नमक, देखने में कुछ और लगता है मगर कसम से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। तो ये देख लो हमारे कमरे में हमको बैठने नहीं दे रहे, सोने नहीं दे रहे, अभी ये बोल रहे को लूडो खेलेंगे, हम खेल लेंगे लूडो, दांत देख रहे हो भूत कहीं का, तो ये अब खेल लेंगे लूडो, लूडो एक लूडो। मेरी टीम में कौन है? मैं। मेरी टीम में ये है, वो पीछे मम्मी किसी की टीम में। अनमोल मेरा पीला है, तेरा ब्लू है, अनमोल अभी तेरा लाल है, तो अभी हम देखते हैं ही क्या होता है। यू आर द लूजर, यू आर नॉट द लूजर, यू आर द लूजर, यू आर द लूजर।